ओम नमः शिवाय। प्रियदर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए मई 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हम हेल्थ की। हेल्थ की बात करें ना, तो ये जो महीना है, पहले से आपकी जो हेल्थ है ना, उसमें इंप्रूवमेंट होगी। छोटे मोटे हेल्थ इशू को छोड़कर बाकी ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है ना, इस महीने आपके फेवर में रहने वाली है। फिर भी एक चीज का आप ध्यान रखिए, कोई भी कार्य ना जल्दबाजी में ना करें, और कोई भी कार्य करते समय थोड़ा सा अलर्ट रखें। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करें, अपने मेंटल पीस को स्ट्रांग करने के लिए मेडिटेशन जरूर करें। अब हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए महीना कैसा रहने वाला है। आप लोगों के लिए जो टाइम है ना, काफी सपोर्ट में रह सकता है, अगर आपने अपना पूरा फोकस अपनी स्टडी पर रखा। क्योंकि ये जो टाइम है ना, आपका जो मन है वो बीच बीच में भटक सकता है, इसलिए अपना जो फोकस अपने स्टडी पर रखेंगे तो ये आपके लिए टाइम बहुत सपोर्ट में रहेगा। आपको एक चीज का और बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, आपको नेम फेम तो मिलेगा, लेकिन आप जो है ना, इस थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं, तो इस चीज का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे कि लव कपल्स के लिए महीना कैसा रहने वाला है। लव कपल्स की बात करें तो आप लोग भी इस टाइम को काफी इंजॉय कर सकते हैं, आप लोग वेकेशंस पर भी जा सकते हैं। आप लोगों के जो बीच में है, लव अट्रैक्शन भी रहेगा और बॉन्डिंग भी रहेगी, तो ओवरऑल ये जो टाइम है ना, आप काफी इंजॉय करेंगे। अब हम बात करेंगे कि मैरिड कपल्स के लिए महीना कैसे रहने वाला है। इस महीने जो है ना, आपके परिवार का माहौल जो है ना, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, जिसका एक बड़ा रीजन जो है, एक कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं। यानी कि आपके घर में जो है ना, खर्चों की वजह से आपके जो परिवार का जो माहौल है ना, वो खराब हो सकता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कार्य करें, आप उसके साथ मिलकर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लें। यानी कि इस वक्त आपको एक टीम वर्क की तरह काम करना होगा, नहीं तो परिवार का जो माहौल है ना, वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और मिलजुल कर कार्य करें। अब हम बात करेंगे कि बिजनेस वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है। आप लोगों के लिए अगर कोई न्यू आप बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो अभी जो टाइम है ना, थोड़ा सा अवॉइड करें। इसके साथ ही अगर आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, अगर आप अपने बिजनेस को फॉरेन से कनेक्ट करते हैं, तो ये टाइम जो है ना, आपके काफी सपोर्ट में रहेगा। आपको आपके भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। कार्य थोड़े डिले हो सकते हैं, रुक रुक कर हो सकते हैं, लेकिन आपके कार्य जरूर होंगे, क्योंकि भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन कोई नई चीजों को ट्राई करने से बचे हैं, और अपनी जो पुरानी चीजें हैं ना, उस पर काम करेंगे, तो ये टाइम आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जॉब वालों के लिए महीना कैसा रहने वाला है। आप लोगों को वर्किंग प्लेस पर अपने बिहेवियर पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ओवर रिएक्ट से बचना होगा। आपको इधर उधर की बातों को छोड़कर अपना जो फोकस है ना, अपने कार्य पर रखना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन से उपाय करें जिससे ये जो महीना है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आप कंजकों की सेवा करें, उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देते रहें। इसके साथ ही आप गौ सेवा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है, ग्रीन एवेंजल क्रिस्टल ब्रेसलेट भी यूज कर सकते हैं, इसे आप मेरे स्टोर से भी बाय कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जो महीना है आपके लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।